राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस आईपीएल 2024 का 24वां मुकाबला आज यानी 10 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर मेजबान टीम की नजरें जीत का पंजा खोलने पर होगी। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 के एकमात्र ऐसी टीम है जिसे अभी तक टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। टीम 4 में से 4 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में सबसे पहले स्थान पर अपना कंजा कस चुकी है। वहीं पिछले 2 साल में फाइनलिस्ट टीम गुजरात टाइटंस की हालत इस समय थोड़ी खस्ता दिख रही है। टीम 5 में से 3 मैच हार कर पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर है। जीटी इस सीजन घर के बाहर एक भी मैच नहीं जीत पाई है। आइए आरआर वर्सेस जीटी मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स को पिछले साल जयपुर के इसी मैदान पर सफलता नहीं मिली थी। टीम 5 में से 4 मुकाबले हारा था, मगर इस सीजन आरआर ने अपना गढ़ बनाया है। राजस्थान रॉयल्स यहां अभी तक 3 मुकाबले जीत चुकी है और टीम की नजरें जीत का चौका लगाने पर है। उन्होंने 193 और 185 के स्कोर को डिफेंड किया है। वहीं आरसीबी के खिलाफ 184 के रक्ष का भी पीछा कर आसान से जीत दर्ज की। इस पिच पर उन गेंदबाजों को सफलता मिलती है जो गेंदबाजी में मिश्रण करना जानते हैं। पारी के आखिरी ओवर में धीमी गति से गेंद काफी कारगर साबित होती है। वहीं दूसरी पारी में डब्ल्यू की वजह से गेंद बैट पर अच्छे से आता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी। बात करते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम के आंकड़ों और रिकॉर्ड्स के बारे में। यहां 55 मैच खेले गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत मैच में 20 मैच शामिल हैं, बाद में बल्लेबाजी करने आए में 35 मैच शामिल हैं। टॉस जीतकर जीते गए मैच में 29 मैच हैं, वहीं टॉस हार कर जीते गए मैच में 26 मैच हैं। हाईएस्ट स्कोर 217 पे 6 है, लोएस्ट स्कोर 59 रहा है, वहीं एवरेज स्कोर 160 का रहा है एवं हाईएस्ट स्कोर इन चेज 215 का रहा है। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल के इतिहास में अभी तक 5वें मुकाबले खेले गए हैं। इन 5 में से 4 मैच जीतकर जीटी ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। वहीं गुजरात के खिलाफ राजस्थान को सिर्फ एक ही जीत मिली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जीटी आरआर पर विजय रथ रोक सकती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।